नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप जेंट स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, छः के मल्टीपल फंदे और दो फंदा एक्स्ट्रा चाहिए। और ये डिज़ाइन 8 लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है, तो मैंने 32 फंदे डाले हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। मैं इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझेंगे। तो इसे बनाने के लिए बॉर्डर के बाद रॉन्ग साइड से हम उल्टा बुनेंगे, और यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो उल्टा बुनते हुए हम अपना फंदा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ये हमारे डिज़ाइन का पहला लाइन है, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे। अगले फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, 2, 3, 4। अगला फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। यहाँ एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब अगला डिज़ाइन, एक फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4। और अगला फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। तो दूसरा डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए तीसरा डिज़ाइन, एक फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर 4 फंदे सीधे, 3, 4। और एक फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। तो इन्हीं 6 फंदों को हम बार बार पूरी सिलाई में दोहराएंगे। तो देखिए तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में बार बार दोहराना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हम खोल लेंगे, लपेटा हुआ फंदा इसे हम खोल लेंगे। इसे बुनना नहीं है, इसे हमें सिर्फ दाहिनी सिलाई कर लेना है। अब अगले 4 फंदे उल्टे, नेक्स्ट देखिए, आगे से हमने सीधा बुना था, पीछे से ये उल्टा हो गया। फिर अगला लपेटा हुआ फंदा इसे हम खोलेंगे, इसे हमें बुनना नहीं है। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें बार बार दोहराना है। देखिए अगला लपेटा हुआ फंदा, दूसरा डिजाइन स्टार्ट होता है, उसे खोला, 4 फंदा उल्टा, फिर लपेटा हुआ फंदा इसे खोलेंगे, स्लिप करेंगे, अगला लपेटा फंदा इसे स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे और इसे हम स्लिप करेंगे। इसे बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करना है। लास्ट फंदा एज स्टिच, इसे उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अब देखिए ये लपेटा हुआ फंदा इसे हम नीचे गिरा देंगे और 2 फंदों को पहले सीधा बुनेंगे। अब
पहले फंदे को उठाएंगे और इसे भी हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए ऐसे अगले तीन फंदे को ऐसे पकड़ेंगे, नीचे गिरा देंगे, पहले दूसरे फंदे को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीसरा फंदा ये लपेटा हुआ फंदा था इसे खींचते हुए सामने की तरफ से सिलाई में चढ़ा देंगे। अब इन तीन फंदों को भी सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में बार बार दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डिज़ाइन लपेटे हुए फंदे को पहले गिरा देंगे, दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो लपेटे हुए फंदे गिराएंगे, पहले दो फंदे को सीधा बुनेंगे, अब लपेटे हुए फंदे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के बाद इसे हम सीधा बुनेंगे। ऐसे सामने की तरफ से ये आना चाहिए। अब अगले तीन फंदे ऐसे दाहिने हाथ से दबाएंगे, इन्हें गिरा देंगे और पहले दूसरे फंदे को पहले हम बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब लपेटे हुए फंदे को उठाएंगे और ऐसे ऊपर की तरफ से चढ़ाते हुए बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब इन तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन देखिए, तीन फंदे हैं, पहले लपेटे हुए फंदे को ऐसे गिराएंगे, पहले दूसरे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, अब लपेटे हुए फंदे को इन दो फंदों के बाद लेके सीधा बुन लेंगे। अब अगले तीन फंदे हैं तो हम ऐसे दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ये गिरने ना पाए, फिर पहले दूसरे फंदे को हम बाएं सिलाई में लेंगे, तीसरे फंदे को उठाएंगे और ऐसे ऊपर की तरफ से बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब इन तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन दोहराएंगे। छह फंदों का ये डिज़ाइन है, देखिए ऐसे ही करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दो फंदा सीधा, तीसरे फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा और चौथे फंदे को भी सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर दो फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें बार बार दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब देखिए अब यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो दो फंदा सीधा, तीसरे फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को भी सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर दो फंदा सीधा। यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। दो फंदा सीधा, दो फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, दो फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर दो फंदा सीधा। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट हुआ। छठे लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे,
अब लपेटे हुए दोनों फंदों को हम खोलेंगे और इसे हमें बिना बुने दाहिनी सिलाई में ले लेना है। अब अगले दो फंदे उल्टे, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में बार बार दोहराना है। अब अगला डिजाइन, दो फंदा उल्टा, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, इसे बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है, फिर अगले दो फंदे उल्टे। तीसरा डिजाइन, दो फंदा उल्टा, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, बुनना नहीं है, स्लिप करना है, फिर दो फंदा उल्टा। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर देखिए तीन फंदों में से ऐसे दबाएंगे और पहला दूसरा फंदा बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे फंदे को उठाएंगे और इसे इन दोनों के आगे लाएंगे, फिर तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए अगला ये लपेटा हुआ फंदा, इसे हमें गिरा देना है, फिर पहले दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर गिरा हुआ फंदे को ये लपेटा हुआ फंदा ऐसे उठाएंगे और इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। अब यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होता है, तीन फंदे लेंगे, गिराएंगे, पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर तीसरे फंदे को उठाएंगे और इसे सामने की तरफ से लाते हुए बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर अगले तीन फंदे, तो ये लपेटा हुआ फंदा इसे पहले गिराएंगे, दो फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर इस गिराए हुए फंदे को उठाएंगे और फिर इसे भी हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन भी कंप्लीट होता है। छः छः फंदों का ये डिज़ाइन है। अब देखिए तीसरा डिज़ाइन, तीन फंदे को गिराया, दो फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ाया, पहले फिर तीसरे फंदे को चढ़ा दिया, तीनों फंदों को सीधा बुन लिया। अब अगला फंदा, देखिए इसे गिराएंगे, दो फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर गिराए हुए फंदे को उठाकर इसे भी सीधा। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है और रॉन्ग साइड आठवां लाइन। तो आठवें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छह फंदे का और आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सुंदर है फ्रेंड, पीछे से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, आगे से ऐसा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।